अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट टू की। यूनिट टू में है ये चैप्टर थर्ड, प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति, यानी कि माध्यम में कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति, रेखीय गति से तात्पर्य क्या है? प्रतिरोधी माध्यम में, माध्यम में हमारा प्रतिरोध है, तो जैसे कोई कणधर गति कर रहा है, तो वेग भी है, तो इसका प्रतिरोध, जैसे हवा वगैरह है, तो इसका प्रतिरोध कहाँ होगा? इसकी विपरीत दिशा में होगा। प्रतिरोध कहाँ होगा? इसकी विपरीत दिशा में। और जैसे जैसे वेग बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है, तो जो प्रतिरोध होता है समानुपाती होता है वेग की किसी घात के, n के समानुपाती होता है प्रतिरोध। जैसे जैसे प्रतिरोध हमारा क्या होगा, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। अब मान लो ये कोई वस्तु है नीचे गिर रही है, तो इसका वेग बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि वेग फिर नहीं बढ़ता। उस वेग को हम क्या कहते हैं? अंतिम वेग, कैपिटल वी। वो वेग क्या कहलाता है? हमारा अंतिम वेग कैपिटल वी। इससे ज्यादा वेग फिर नहीं हो सकता, तो ये वेग हमारा कौन सा है? अंतिम वेग। तो अंतिम वेग जब होगा तो उस जगह पर हमारा क्या होगा? वेग और नहीं बढ़ता है। इसका मतलब क्या होगा? वेग अचर हो जाता है। वेग अचर हो जाता है तो इसका मतलब क्या? वेग कांस्टेंट हो जाता है। तो वेग क्या हो जाता है? अचर। इसका मतलब डीवी अपॉन डीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो हमारी जो गति समीकरण है, गति समीकरण क्या होगी? गति समीकरण हो जाएगी हमारी एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, या फिर ऐसे समझ ले कि जो हमारे पास में डीवी अपॉन डी टी है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। डीवी अपॉन डी टी त्वरण हो गया, इस त्वरण को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या? जीरो। कब है ये? जब वेग और नहीं बढ़ता है, जब कोई कण नीचे गिरता है और उसका वेग और नहीं बढ़ता है, तो हमारा क्या होगा? तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर जीरो। उस वेग को हम क्या कहेंगे? वेग क्या कहलाएगा? वो वेग होगा हमारा कौन सा? अंतिम वेग। अंतिम वेग जो कि हम कैपिटल वी से निरूपित करते हैं अंतिम वेग को। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 1 है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर। जब क्या है, वेग के समानुपाती है हमारा प्रतिरोध, तो गति कर रहा है नीचे की ओर, तो हमें गति की विवेचना करनी है। गति की विवेचना से तात्पर्य हमें संबंध निकालना है दूरी और वेग में। तो लिखते हैं उसको, जब कण नीचे की ओर गति कर रहा है, तथा प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, तो इसकी गति की विवेचना कीजिए। हमें क्या करना है?
गति की विवेचना करनी है। गति की विवेचना से तात्पर्य है, एक बार हमें वेग और समय में संबंध निकालना है, एक बार वेग और दूरी में, एक बार दूरी और समय में संबंध निकालना है। तो जैसे कोई कण है यहां से गिर रहा है, बिंदु A से गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, और यहां पर मान लो उसका वेग अंतिम वेग कैपिटल V हो जाता है। प्रतिरोध किसके समानुपाती दे रखा है? वेग V के। प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके? द्रव्यमान m के भी समानुपाती होता है। तो ये वेग हमारा नीचे है तो प्रतिरोध कहां पर कार्य करेगा? ऊपर की ओर कार्य करेगा। वेग भी नीचे है, प्रतिरोध ऊपर की ओर है, और प्रतिरोध समानुपाती है किसके? V के और m के समानुपाती तो होता ही है ये। और अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग क्या है हमारा? कैपिटल V। तो अंतिम वेग कैपिटल V है, मान लो उसका द्रव्यमान m है, तो इसका जो mg होगा वो नीचे की ओर कार्य करेगा, जो इसका भार है mg वो नीचे की ओर कार्य करेगा, और प्रतिरोध हमारा ऊपर की ओर कार्य कर रहा है यानी mg का विरोध कर रहा है। तो गति समीकरण बनाएंगे हम इससे, तो पहले इसकी भाषा लिख लेते हैं। माना कण प्रारंभ में बिंदु A से गिरता है, A से गिर रहा है, तो यहां पर क्या है हमारा? चली गई दूरी जीरो है, वेग भी जीरो है, समय t बराबर भी जीरो है। प्रारंभ में जहां से गिरता है तो A पर वेग जीरो, समय जीरो और चली गई दूरी भी जीरो हो जाएगी। अब मान लो ये चलकर किसी बिंदु B पर आ जाता है, किसी बिंदु कौन से पर आ जाता है? बिंदु B पर चली दूरी x है, वेग v है, लगा समय t है, तो इसलिए गति समीकरण क्या हो जाएगी? गति समीकरण लगने वाला बल m इंटू त्वरण d2x/dt² बराबर क्या? mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है माइनस प्रतिरोध। प्रतिरोध हमारा R है जो कि समानुपाती था V और M के, तो V और M, तो R बराबर क्या हो जाएगा? M K V, किसी कांस्टेंट K से गुणा कर देंगे इसमें, तो हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बराबर M K V। तो हम यहां रख दें तो M d2x/dt² बराबर mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, प्रतिरोध विरोध कर रहा है, तो माइनस का आएगा, माइनस का क्या? एम के वी। आर का मान लिख दिया एम के वी, एम 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 कैंसिल हो रहा है, तो क्या रह जाएगा? d2x/dt² बराबर जी माइनस के वी, ऐसा रह जाएगा ये। तो ये हमारी समीकरण एक है। अब हम क्या करेंगे इसमें? पहले हम अंतिम वेग निकालेंगे, वेग नंबर टू है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां तक अंतिम वेग निकालेंगे हम कैपिटल वी, उसके लिए क्या करेंगे? अंतिम वेग पर जो हमारा d2x/dt² है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो अंतिम वेग की वैल्यू निकालते हैं हम, अंतिम वेग होने पर d2x/dt² बराबर क्या हो जाएगा? त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? g माइनस k कैपिटल V। तो यहां से k का मान क्या आ जाएगा? g/v आ जाएगा, k का मान g/v मिल गया, k का मान मिल गया g/v। तो अब क्या करेंगे? k का मान यहां रख सकते हैं लेकिन हम बाद में रख देंगे, इसको हम नाम दे देते हैं दो।
अब समीकरण एक की बात करते हैं। समीकरण एक में जो हमारे पास में डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, इसमें हम डी वी अपॉन डी टी रख देते हैं। डी वी अपॉन डी टी रखने पर, डी वी अपॉन डी टी रखेंगे तो क्या होगा, ये समीकरण चेंज होकर हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना, जी माइनस के वी, जी माइनस के वी वी की तरफ ले लें, डी टी को इधर भेज दें तो क्या होगा, डी वी अपॉन कितना जी माइनस के वी बराबर रह जाएगा डी टी, और दोनों ओर कर देंगे इसका हम समाकलन। समाकलन करने के बाद में क्या करेंगे, जी माइनस के वी है, इसका समाकलन कैसे करेंगे, वन अपॉन वी जैसा हो रहा है तो लॉग वाले में होगा लॉग वी, लेकिन माइनस के और है तो इसका समाकलन हो जाएगा लॉग जी माइनस के वी अपॉन में जो वी का गुणांक है वो कहां जाएगा, नीचे, माइनस के कहां जाएगा, नीचे, के का मान है हमारे पास में जी अपॉन वी, हम आवश्यकता पड़ने पर बाद में रख देंगे, तो दिस इक्वल टू कितना टी, इसका समाकलन डी टी का समाकलन टी हो जाएगा प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि हमारा अनिश्चित समाकलन है तो एक कॉन्स्टेंट सी और जुड़ेगा इसमें। अब प्रारंभ की शर्तों से, प्रारंभ में टी बराबर जीरो है और वी बराबर क्या है, जीरो। प्रारंभ में जब बिंदु ए से गिरता है, वो जब बिंदु ए से गिर रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर बिंदु ए पर, बिंदु ए पर वी जीरो है, टी जीरो है और एक्स भी जीरो है, यहाँ वेग की आवश्यकता नहीं है तो रखेंगे इसमें, ये वी जीरो हो जाएगा, टी की जगह जीरो लिख देंगे तो इसका मतलब सी का मान क्या आ जाएगा, सी ये वी जीरो हो गया, टी भी जीरो हो गया, तो माइनस का वन अपॉन के और लॉग जी आ जाएगा। इसका मान रख देते हैं, सी का मान रखने पर, सी का मान इसमें रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन के और लॉग जी माइनस के भी बराबर कितना, टी माइनस वन अपॉन के लॉग जी, टी जैसे तैसे सी का मान क्या रख दिया, माइनस के वन अपॉन के लॉग जी। अब क्या करें, लॉग वाले टर्म एक तरफ कर लें, टी एक तरफ कर लें, तो इसको इधर ले आते हैं, क्या रह जाएगा, ये इधर आकर प्लस का वन अपॉन के लॉग जी, माइनस का वन अपॉन के और लॉग में क्या है जी माइनस के वी इक्वल टू क्या रह जाएगा, टी, ऐसा रह जाएगा। ए नंबर तीन है ये, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, वन अपॉन के लॉग जी माइनस वन अपॉन के लॉग जी माइनस के वी बराबर टी रह जाएगा, वन अपॉन के कॉमन आ रहा है इसमें से, अब इसमें से वन अपॉन के कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, ये वन अपॉन के कॉमन क्या रह जाएगा, लॉग जी माइनस में है क्या, लॉग जी माइनस के भी और बराबर है टी, के को उधर भेज दे, इधर क्या रह जाएगा, लॉग जी अपॉन जी माइनस के भी, माइनस वाला है लॉग नीचे आ जाएगा, एम बटे एन बराबर क्या रह गया, के टी, ऐसा रह जाएगा। तो ये हमारा एक संबंध v और t में आ गया, लेकिन हम यहाँ v का मान निकाल लेते हैं तो log को हटा दें, उधर चेंज कर दें तो ये क्या रह जाएगा, g अपॉन g माइनस के भी बराबर क्या, e की पावर के t हो जाएगा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए v की वैल्यू, इसको उधर भेज देते हैं तो g अपॉन e की पावर के t बराबर क्या रह जाएगा, g माइनस के भी, के भी को उधर ले आते हैं, इसको उधर भेज दें तो के भी प्लस का हो जाएगा, इधर आकर इधर क्या रह जाएगा, जी पहले से है माइनस जी अपॉन ई की पावर के टी, अब ई की पावर के टी को ऊपर ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो ये रह जाएगा कितना, के वी बराबर जी माइनस जी ई की पावर माइनस के टी, तो क्या रह जाएगा, वी बराबर वन अपॉन के, जी कॉमन ले लें, वन माइनस ई की पावर माइनस के टी, जो कि
जो कि किन किन में संबंध है, वेग और समय में। इसको हम बॉक्स बंद कर लेते हैं, जो कि वेग और समय में संबंध है। वेग ये रहा भी, समय ये रहा टी, तो वेग और समय में संबंध हो गया। अब इसी में बी बराबर क्या रखने पर बी हमारा क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। बी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी रखने पर, बी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी रखेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी अपॉन के और वन माइनस ई की पावर माइनस के टी और डी टी। डी टी को उधर भेज दें तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी अपॉन के वन माइनस ई की पावर माइनस के टी और डी टी, और दोनों ओर समाकलन कर देंगे। इधर तो समाकलन एक्स आ जाएगा, इधर जी अपॉन के कॉन्स्टेंट है तो इसका समाकलन क्या आएगा, वन का टी हो जाएगा, और ई की पावर माइनस के टी का क्या होगा, ई की पावर माइनस के टी अपॉन माइनस के, ई का जो टी की पावर का गुणांक है माइनस के वो कहाँ जाएगा, नीचे, और प्लस कॉन्स्टेंट कोई सी। तो ये हमारी x की वैल्यू आई, ये पेज नंबर 4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहां तक। x की वैल्यू आ गई है g अपॉन के, तो इसमें थोड़ा सा और करेक्शन कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर g अपॉन के और t प्लस कितना, e की पावर माइनस के टी अपॉन के और प्लस कॉन्स्टेंट c। हम c का मान निकालेंगे प्रारंभ में, प्रारंभ में t बराबर 0 है और v बराबर v नहीं, यहाँ पर x है, t का मान 0 है और x का मान क्या है 0, t का मान 0 यहाँ रख दें, x का मान 0 यहाँ रख दें, तो 0 बराबर क्या रह जाएगा, g अपॉन के, जी अपॉन के तो क्या हो जाएगा, ये जी अपॉन के तो जैसे तैसे ये रह जाएगा 0 प्लस कितना, ई की पावर 0 अपॉन के और प्लस सी, ऐसा रह जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0 का गुणा करवा दें, ई की पावर 0 का मान 1 हो गया, तो ये रह गया जी अपॉन के स्क्वायर प्लस सी, तो सी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के जी अपॉन के स्क्वायर, जी अपॉन के स्क्वायर को इधर ले लेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस जी अपॉन के स्क्वायर, सी का मान इसमें रख देते हैं, सी का मान उठा के यहाँ रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू जी अपॉन के और टी प्लस ई की पावर माइनस के टी अपॉन के और सी की वैल्यू रख देते हैं माइनस के जी अपॉन के स्क्वायर। तो ये हमारा एक संबंध आ गया किन किन में, ये देखें संबंध किन किन में है, x दूरी होती है, t समय होता है, जो कि दूरी और समय में संबंध है, जो कि किन किन में संबंध है, दूरी और समय में। तो ये हमें प्राप्त हो गया, अब हमारा एक और रह गया इसमें, किस किस में, वेग और दूरी में संबंध, वेग और दूरी में संबंध की बात करते हैं। तो हमारे पास में जो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, समीकरण एक में डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, वी डी वी अपॉन डी एक्स रखने पर, वी डी वी अपॉन डी एक्स रखेंगे तो क्या मिलेगा, v dv अपॉन dx इक्वल टू कितना, g माइनस के वी, ऐसा मिल जाएगा। अब क्या करें, इसको नीचे ले आए, v अपॉन g माइनस के वी dv बराबर क्या रह जाएगा, dx, dx घर चला जाएगा, g माइनस के वी नीचे, और दोनों ओर समाकलन। इसका समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम k का ऊपर नीचे गुणा करवा दें, v है ऐसा ही बनाएंगे सेम, तो हमने क्या किया, के भी माइनस का चाहिए हमें, तो हमने क्या किया, माइनस के वन अपॉन के बाहर कर दिया और माइनस के भी बटे कितना, जी माइनस के भी,
हमने इसमें माइनस के से ऊपर नीचे गुणा करवा दिया, माइनस के जो नीचे गुणा करवा है वो हमारे काम का नहीं है, इसमें जो गुणा करवा है वो काम का है, ऐसा ही रूप बनाएंगे हम। ऊपर माइनस के भी तो बन चुका है, जी रह गया, अब इसमें हम जी जोड़ दें और जी ही घटा देते हैं, तो डी बी बराबर क्या रह जाएगा, इधर समाकलन कर दें एक्स प्लस सी, तो क्या रहेगा ये माइनस का वन अपॉन के, जी माइनस के भी, जी माइनस के भी के नीचे करेंगे तो वन रह जाएगा, और जी के नीचे करेंगे तो जी अपॉन जी माइनस के वी, जी के बटे में जी माइनस के भी रह गया, और डी बी बराबर कितना एक्स प्लस सी, ऐसा प्राप्त हो गया। ये पेज नंबर 5 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहां तक, तो ये हमारा प्राप्त हो गया कितना, अभी वी नहीं आया है, इसका समाकलन करने पर आएगा वो, तो समाकलन देखते हैं क्या आता है। समाकलन कर रहे हैं इसका क्या होगा, माइनस का वन अपॉन के और कितना वी माइनस जी और लॉग जी माइनस के वी, जी जी माइनस के वी रह जाएगा ये अपॉन में क्या माइनस के, जी तो कांस्टेंट है, जी माइनस के वी नीचे है तो इसका लॉग जी माइनस के वी हो जाएगा, फिर जो वी का गुणांक है माइनस के वो कहां जाएगा अपॉन में, और बराबर कितना एक्स प्लस सी, तो माइनस वन अपॉन के को अंदर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस के वी अपॉन के, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस हो जाएगा जी अपॉन के स्क्वायर लॉग कितना जी माइनस के वी और बराबर कितना एक्स प्लस सी, ऐसा रह जाएगा। अब सी का मान निकालने के लिए प्रारंभ की शर्तों का उपयोग करेंगे, प्रारंभ में हमारा x जीरो है और v भी जीरो, जब कण ऊपर से गिर रहा है तो सब चीज जीरो होगी, दूरी भी जीरो होगी, समय भी जीरो होगा, वेग भी जीरो होगा, तो वेग जीरो है और दूरी भी जीरो है, रखेंगे वेग का मान जीरो, वेग का मान जीरो, x का मान जीरो, तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस जी अपॉन के स्क्वायर ये बचेगा और लॉग क्या बचेगा जी ये वाला, ये तो जीरो हो गया, एक्स की वैल्यू भी जीरो हो गई, तो सी, सी का मान हमारा ये मिल गया। सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर क्या आएगा, सी का मान यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा कितना माइनस का वी अपॉन के माइनस जी अपॉन के स्क्वायर और लॉग जी माइनस के वी बराबर एक्स, सी की वैल्यू ये रख रहे हैं माइनस जी अपॉन के स्क्वायर और लॉग जी, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको धर कर दें तो माइनस के वी अपॉन के माइनस जी अपॉन के स्क्वायर लॉग कितना जी माइनस के वी और प्लस क्या हो जाएगा जी अपॉन के स्क्वायर, जी है ये जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी बराबर एक्स, इसको पद, इस पद को धर लिया है प्लस का हो गया, प्लस वाला ऊपर रहेगा, दोनों में से कॉमन ले लें, माइनस के वी अपॉन के इनमें से जी अपॉन के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लॉग में क्या बचेगा लॉग जी, प्लस का पहले लिख लें, माइनस का क्या बचेगा लॉग जी माइनस के वी, जी माइनस के वी बच जाएगा बराबर कितना है एक्स, तो माइनस के वी अपॉन के प्लस कितना जी अपॉन के स्क्वायर और लॉग जी बटे जी माइनस के वी, ऐसा रह जाएगा बराबर किसके एक्स के, तो ये हमारा एक्स आ गया कितना लॉग जी अपॉन जी माइनस के वी और माइनस वी अपॉन के जी अपॉन के स्क्वायर है, तो इसे हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये हमारा संबंध आ गया किस किस में, दूरी और वेग में, जो कि दूरी और वेग में संबंध है, ये पेज नंबर 6 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।